हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। चलो आज के वीडियो में कुछ अच्छा और नया जानकारी आपको दूंगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। जय जगन्नाथ। आज के वीडियो में मैं आप लोग को अच्छा जानकारी दूंगा सूरत कपड़ा फैक्ट्री का ऊपर। चलो आज के वीडियो में शुरू करते हैं। आप लोग सब जानते हो कि सूरत में हज़ार नहीं लाखों लाखों लोग यहाँ काम करते हैं और यहाँ बहुत प्रकार के काम होते हैं। टकमेंडिंग, वार्पिंग मशीन, लोम्स, वॉविन मशीन और बहुत प्रकार के काम यहाँ होते हैं। मगर आज के वीडियो में कुछ अच्छा जानकारी दूंगा जो कि टकमेंडिंग का ऊपर, जो लूम्स के भाई काम करते हैं, लूम्स कारीगर, उन लोग कैसे काम करते हैं, उनको कैसे पैसा मिलते हैं उसका ऊपर ये बनाया। और जो लूम्स चलाते हैं, जब काम पर ड्यूटी ज्वाइन करते पहले अपना नाम लिखते हैं। देखिए जो कपड़ा होते हैं, कपड़ा का ऊपर अपना नाम हर कोई कारीगर लिखते हैं जब काम शुरू करते हैं, चाहे दिन पाली वाला हो या रात पाली वाला हो। देखिए इसमें अपना अपना नाम लिखते हैं कपड़ा का ऊपर, और कपड़ा का ऊपर जो काम शुरू होगा वो उनके नाम पे जाएगा, क्योंकि ड्यूटी ज्वाइन किया। अब इसके ऊपर कपड़ा बनेगा तो उनका नाम पे जाएगा, मशीन का नंबर, उनका नाम उसमें लिखा जाता है। देखिए जब कपड़ा में उसका नाम आ गया, देखिए जब कपड़ा मापते हैं, मेंडिंग होते हैं, उसका नाम आते हैं तो कितना मीटर कपड़ा वो बनाया उतना मीटर खाता में लिखते हैं। देखिए ये जो टक्का मेंडिंग के काम करते हैं, बड़े बड़े फाइल्स होते हैं उसमें वो टक्का का नंबर और वो जो कपड़ा में वो मशीन का नंबर और कारीगर जो काम किया था वर्कर उनका नाम इधर लिखा जाएगा। चलो जो कपड़ा बन रहा है कपड़ा फैक्ट्री में, तीन चार प्रकार का क्वालिटी का कपड़ा बनते हैं, उनका कपड़ा कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये विस्कोस माल का कपड़ा है। देखिए ये जो धागा है 410 रुपया होता है एक किलो का धागा। देखिए इसमें दो प्रकार का धागा है, देखिए विस्कोस, और ये देखिए ये 30 नंबर पतला माल, उसके साथ जरी माल और 75x36 वाला मिला हुआ मिलावट वाला साड़ी। देखिए ये भी अलग क्वालिटी का है, आपको दो प्रकार का देखा। ये देखिए ये पूरा प्लेन है, 30 नंबर वाला पूरा प्लेन, और पूरा नेट साड़ी जो बनते हैं इसी में बनते हैं। और ये देखिए ये है ब्लैक, जो बीम है वो वाइट का है, और जो बॉबिन डालते हैं, कांडी डालते हैं, वो ब्लैक का रहता है। यहाँ चार प्रकार क्वालिटी का कपड़ा बनता है। और फिर जो सुपरवाइजर होते हैं या मैनेजर होते हैं, इधर से वो दूसरा फाइल पे उठाएगा कितना काम वो कारीगर किया था, कितना तारीख का, सब लिखते हैं। ये जो टाका ऑफिस है, जो कपड़ा को टाका कहते हैं, ये जो टाका है, देखिए तीन चार क्वालिटी का कपड़ा यहाँ बनते हैं। एक चेकिंग करते हैं, एक भाई यहाँ चेकिंग करते हैं, कहीं छेड़ा मेड़ा गया या कोई गंठी गया, कोई ख़राब धागा उसमें चला गया, सब चेकिंग होते हैं। और एक भाई इधर क्या करते हैं, उसको मापते हैं, जो चेकिंग किया हुआ कपड़ा को मापते हैं और शुरू होते हैं। देखिए ये मीटर, एक मीटर, दो मीटर, इसे शुरू होगा। ऐसे शुरू होते होते जिनका नाम आएगा कपड़ा में, जितना मीटर में उनका नाम लिखा जाए, उनका नाम अपने फाइल में वो उठाएंगे। अभी देखिए कैसे काम होते हैं, इसको कहते हैं टक्का मेंडिंग का काम। और ये जो भाई जो काम करते हैं, हर महीने में उनको 20-25 जरा मिलते हैं ये काम करने के लिए। अभी देखिए ये जो भाई काम करते हैं, यूपी के हैं दोनों भाई, यूपी के बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, यूपी से, झारखंड से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, बहुत जगह से लोग आके यहाँ काम करते हैं, उड़ीसा से, मगर ज़्यादातर यूपी का लोग और ये काम करते हैं, टक्का मेंडिंग का काम करते हैं। और गुजराती लोग को भी ये काम करते हैं, ये काम दिन में ही होते हैं, रात में बंद रहते हैं। अभी देखिए किस प्रकार काम हो रहा है। जब ये काम होगा, दिन भर टक्का मेंडिंग होगा, तीन चार बजे गाड़ी आएगा और उसमें लोड होगा। अभी देखिए जो भाई का नाम इसमें आया, जो भाई का कपड़ा माप रहा था तो उसका नाम आ गया, तो उसका नाम और मशीन नंबर सब फाइल में लिखा जाता है। देखिए ये फाइल में लिखा जाता है, फिर वो फाइल से सुपरवाइजर अपना काम करेगा। अभी देखिए जब चार बज जाता है, काम हो जाता है, फिर पिकअप आता है और गाड़ी में लोड होते हैं। देखिए जितना कंपनी में धागा जो साड़ी बनते हैं सब माप के वजन होते हैं, टका नंबर होते हैं, चालान बनते हैं, और फिर यहाँ गाड़ी में लोड होते हैं, और फिर ये कपड़ा जाता है मार्केट में बेचने के लिए। लाखों लाखों रुपये के कपड़ा है, देखिए एक एक बंडल का भाव है 3 से 4 हज़ार। इस प्रकार काम इधर सूरत में होते हैं, 12 मशीन 14 मशीन चलाते रहते हैं, काम कभी दिन रात 24 घंटा बंद नहीं रहते हैं, इस प्रकार कपड़ा निकलते रहते हैं और सब कपड़ा को इस प्रकार आते हैं इधर टाका ऑफिस में।
और टाका प्लेसमेंट मेंडिंग के काम होते हैं। आज का वीडियो मैंने इस टाका मेंडिंग का ऊपर वीडियो बनाया, आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। कुछ भाई हो सूरत आना चाहते हैं, मगर एक बात बोल देता हूँ हर किसी को कि जो भी भाई आना चाहते हैं अपना आदमी होना यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि इस धागा के काम ऐसे होते हैं कि महीना भर सीखना पड़ते हैं फिर जाके काम करना पड़ता है। दूसरा काम ये नहीं है कि डायरेक्ट काम कर पाओगे, इसलिए हर कोई मेरे मदद चाहते हैं। मैं तो ऐसे मदद किसी को कर नहीं सकता क्योंकि मेरा काम अलग है, और फिर मैं हर किसी को नहीं ला सकता, मैं भी दूसरे के पास रहता हूँ। 50-100 लोग कमेंट करते हैं आने के लिए, मैं तो किसी को अपने पास रख नहीं सकता। और जो और दूसरा बात है कि अपने जो काम करते हैं जो यूपी वाला है वो यूपी वाले के पास आकर रह सकते हैं, मैं तो उड़ीसा वाला हूँ, कोई उड़ीसा वाला आएगा तो उड़ीसा वाला के पास रह सकते हैं क्योंकि उनमें जमते हैं। काम तो साथ में करते हैं कंपनी में, वहाँ रहते हैं अलग अलग, खाना भी अलग अलग होते हैं सब किसी का। अभी देखिए ये भाई अब टाके मेंडिंग का काम करते हैं और हर महीना में 20 से 25 हज़ार उनको मिलते हैं। ये काम में टाका कुछ कारीगर होते हैं, टाका मेंडिंग मतलब चाका चेकिंग करते हैं, और कुछ कारीगर टाका मापते हैं। देखिए ये जो भाई यहाँ काम करते हैं टाका चेकिंग करते हैं, उसमें अगर कोई घंटी चला जाए, कुछ खराब धागा उसमें आ गया, डबल तार आ गया हो, तो उसको चेकिंग किया जाता है। देखिए बीच में कुछ धागा भी नहीं रहते, उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए खराब धागा था तो उनको निकाल दिया, चेकिंग होते हैं। और देखो जो खाली जगह था उसको पूरा किया जा रहा है, देखिए इस प्रकार काम हो रहा है। फिर उसके बाद टाका जब चेकिंग हो जाता है उसके बाद आते हैं यहाँ मापा जाता है। देखिए धागा का लेंथ कितना हुआ, कौन सा कारीगर कितना बनाया, कपड़ा लूम्स वाला, हर किसी का यहीं से पता चलता है। सिर्फ लूम्स वालों का अलग, जो कारीगर होते हैं सबका हाजिरी कार्ड होते हैं, रोज़ का हाजिरी डालते हैं अपने अपने हाजिरी कार्ड में, मगर जो लूम्स वाला होते हैं उनका हाजिरी कार्ड नहीं होते हैं, उनका होता है पाटिया। ये देखिए ये है पाटिया, कितना रोज़ का कैसा कैसा कपड़ा बनाया, 30-35 जितना भी बनाया, देखिए ये सब लिखा गया है, इसको कहते हैं पाटिया। जो फाइल होते हैं सुपरवाइज़र सब इसमें ट्रांसफ़र करते हैं ये वाला पाटिया में, तो हर 15 दिन में जो पेमेंट होते हैं तो यही पाटिया देख के उनको पेमेंट मिलते हैं, उनको पता चलता है कि वो कितना कपड़ा रोज़ का बनाया। और ये जो काम होते हैं ये ज़्यादा टाइम दिन में ही होते हैं, सुबह 7-7:30 बजे आके ये भाई लोग काम करते हैं और 4-5 बजे वो लोग चला जाते हैं, क्योंकि दिन रात में जितना कपड़ा निकलते हैं कंपनी भर में और दिन में जितना कपड़ा सब निकलते हैं सबको यहाँ मेंटेनिंग होते हैं, फिर आप पूरा करके फिर वो लोग चला जाएंगे, उसके बाद दिन सुबह फिर से वो लोग आएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, हर कंपनी में वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, और क्योंकि जो ओनर होते हैं उनको लगता है कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, इनकम टैक्स लग जाएगा या कहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि हर कंपनी जो काम होते हैं सब छुपाते हैं, जितना इनकम उनके होते हैं कोई दिखाता नहीं। अगर 1 करोड़ का फायदा धंधा होते हैं तो वो 30 लाख दिखाते हैं, इस प्रकार सूरत का कंपनी में काम होते हैं।